वेलकम बैक टू रीना किचन पॉइंट। आप सबका आपके अपने चैनल रीना किचन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना और मैं शेयर करती हूँ आपके साथ बहुत सारी खाने की रेसिपीज, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो या हो कोई स्वीट डिश। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक और बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आपको आज भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और रीना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ में ही साइड में एक बेल आइकन है, उसे क्लिक कीजिए जिससे कि हमारे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सभी रेसिपीज को एंजॉय कर सके। तो चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं आज हम आपके लिए क्या खास रेसिपी लेके आए हैं। आइए तो शुरू करते हैं कश्मीर की सबसे पॉपुलर रेसिपी। हम बनाने वाले हैं दम आलू, कश्मीरी दम आलू। उसको बनाने के लिए हमने कढ़ाई रखी है गैस पे और सबसे पहले हमें इसमें सूखे मसाले भूनने हैं। तो यहाँ पर ऑयल नहीं डलेगा, सीधे हम इसमें सूखे मसाले जो लिए हैं वो भून लेते हैं। जैसे कि इसमें हमने लिए हैं 2 कश्मीरी लाल मिर्च साबुत, तेज पत्ता, धनिया, बड़ी इलायची और दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और ज़ीरा। सभी चीज़ों को हमने थोड़ी थोड़ी मात्रा में यहाँ पर लिया है। जब भी आप कश्मीर के दम आलू बनाएं तो उसके लिए आपको मसाले जो है ना सूखे एकदम फ्रेश भूनिए और पीसिए, तभी आप उसको यूज़ करिए सब्जी में, तभी इसकी खुशबू और स्वाद दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं। इन्हें हम 1 मिनट तक भूनेंगे जब तक इसमें से भूनने की खुशबू नहीं आ जाती। और इसे 1 मिनट हो गया है भूनते हुए, खुशबू बहुत अच्छी आने लगी है। तो अब इसे हम गैस को बंद करेंगे और जो ये सूखे मसाले हमने लिए हैं इन्हें हमें पीसना है। तो इसे हम मिक्सी के जार में डाल के एक पाउडर बना लेते हैं। इससे सब्जी में बहुत ही अच्छी खुशबू, बहुत ही अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए तैयार कर लेते हैं ये हम सूखा मसाला पीस। अब यहाँ पर हमने फिर से कढ़ाई रख ली है और जो मसाला था भुना था वो हमने पीस लिया है। तो मसाला तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर तैयार कर लेते हैं प्याज लहसुन वगैरह। तो उसके लिए गैस पे कढ़ाई रख लेंगे और इसमें डाल देंगे हम ऑयल, रिफाइंड ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम डाल देंगे प्याज मोटी कटी हुई, जी हाँ, रफली मोटी कटी हुई प्याज इसमें हमें डालना है और इन्हें भूनना है। जब तक ये थोड़ी सी ब्राउन नहीं हो जाती तब तक इन्हें हम फ्राई करेंगे। जब ये प्याज हल्की सी ब्राउन होनी शुरू हो जाएगी तो उसमें हम डाल देंगे 7 से 8 लहसुन की कली, जिन्हें मैंने बीच में से भी 2 बार इन्हें कट कर लिया है जिससे कि आराम से इजीली अंदर तक भुन जाए लहसुन। और लहसुन के बाद डाल देंगे एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, इन्हें भी लंबे लंबे पीसेज में पतला पतला मैंने कट कर दिया है। तो यहाँ पर हम इन सभी चीज़ों को एक साथ भून लेते हैं। लीजिए प्याज तो अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, साथ में ही लहसुन अदरक भी भुन चुका है। अब इसमें जाने की बारी है टमाटर की। तो मैं यहाँ पर 2 बड़े साइज के टमाटरों को पतला पतला मैंने लंबे पीसेज में कट कर लिया है और अब इन्हें भी सॉफ्ट होने तक हम इसमें भुनेंगे, मिक्स करेंगे। यहाँ पर सभी मसाले भुन चुके हैं, यानी कि कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए जो प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर है वो अच्छे से पक चुका है। तो कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए हम आपको साथ में देते चलेंगे कुछ खास टिप्स। जैसे कि पहले टिप्स दी, मसाला आप रेडीमेड मत खरीदिए, खुद भूनिए और उसके बाद इसे पीस के इसमें ऐड करिए। दूसरी टिप है कि आप टमाटर का कम यूज़ करिए। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं, आप सिर्फ टमाटर का कम से कम यूज़ करिए, इसमें खटास के लिए हम और दूसरी चीज़ का यूज़ करेंगे। तो ये अच्छे से भुन चुका है, सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर। अब मैं कढ़ाई को हटा देती हूँ और इसे ठंडा करके हमें पीसना है, एक पेस्ट बनाना है। तो ठंडा करने के लिए हम इसे रख देते हैं और साथ में हम दूसरी तरफ रख लेंगे यहाँ पर तेल आलूओं को तलने के लिए। तो चलिए इसे हम ठंडा कर लेते हैं। मसाले को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है और यहाँ पर गैस पे हमने गरम कर लिया है तेल। तेल हमने ज़्यादा मात्रा में लेना है क्योंकि इसमें हमें आलूओं को डीप फ्राई करना है। और आलू जो हमें यहाँ पर यूज़ करने हैं वो यूज़ करने हैं हमें बहुत ही छोटे साइज़ के। जी हाँ, आलू जो है हमें काफ़ी छोटे साइज़ के, जो सबसे छोटे से छोटा हो वो आप यूज़ करिए दम आलू बनाने के लिए। और इसे छील के अच्छे से पानी में धो लीजिए और साथ में इसमें हमने छेद कर दिए हैं जिससे कि आलू अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो कश्मीरी दम आलू के लिए वैसे तो छोटे आलू यूज़ होते हैं, लेकिन अगर छोटे आलू नहीं हैं आपके पास तो आप इसकी जगह बड़े आलू ले सकते हैं, उन्हें 2 पीसेस में कट कर लीजिए, यानी काफ़ी बड़े बड़े पीस होने चाहिए। तो यहाँ पर हम छोटे यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास छोटा है, और इन्हें अच्छे से पोंछ लीजिए जिससे कि पानी ना रहे, क्योंकि तेल में जब हम डालेंगे आलूओं को तो वो हमें चोट ना पहुँचाए। आइए तो तेल में डालना शुरू करते हैं ये छोटे साइज के आलू।
और आलू को हमें हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा ब्राउन करना है जिससे कि वो अंदर तक सॉफ्ट हो जाए और जो बाहर की जो उनका कवर है बस लाइट ब्राउन हो। आलू लगभग पक चुके हैं, हल्के सा ब्राउन कवर जो है आलू के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर मैंने यूज़ करे थे कच्चे आलू। जी हाँ, ये एक और टिप है आपके लिए, थर्ड टिप है आपके लिए कि ज़्यादातर इसमें कश्मीरी दम आलू बनाने में लोग यूज़ करते हैं बॉयल्ड आलू, उबले हुए आलू, और उन्हें हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। लेकिन कश्मीरी दम आलू का ओरिजिनल टेस्ट पाने के लिए आपको कच्चे आलू यूज़ करने चाहिए, छोटे साइज़ के कच्चे आलू, और फिर उन्हें तलिए, और उसके बाद जो दम आलू में फ्लेवर आएगा वो बहुत अच्छा आता है, क्योंकि आलू का तो सारा खेल ही है दम आलू के अंदर। तो इसके लिए हमें आलू ही परफेक्ट और सही तरीके से चुनने चाहिए और उन्हें फ्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर हम कच्चे आलू यूज़ करे हैं, और जो आलू हैं जब वो पक जाते हैं वो लाइट वेट हो जाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आलू जो हैं पक चुके हैं। तो यहाँ पर अभी जो जो आलू हल्के वज़न के हो चुके हैं मैं उन्हें निकाल लेती हूँ, हल्के से ब्राउन भी हो चुके हैं। तेल का काम हो गया है ख़त्म, तो तेल हमने यहाँ से हटा दिया है और रख दिया हमने यहाँ पर फिर से कढ़ाई गैस के ऊपर। जो आलू हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं, साथ में जो प्याज टमाटर का हमने पेस्ट तैयार करना था वो पेस्ट भी तैयार हो गया है। तो अब तक चल रहा था दम आलू बनाने का, कश्मीरी दम आलू बनाने का सारी तैयारियाँ, और अब वो पूरी हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब बनेंगे कश्मीरी दम आलू, और कढ़ाई रख चुके हैं गैस के ऊपर। अब इसमें डालेंगे हम ऑयल, जितने टाइम पर यहाँ पर तेल गर्म हो रहा है उतने में ही हम एक और प्रोसेस कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें लेना है एक कटोरी में पानी, ये है हमारा फोर्थ टिप आपके लिए। पानी लेंगे और पानी के अंदर हम डाल देंगे ये कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि तीखी ज़्यादा नहीं होती और सिर्फ कलर के लिए ये बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर हम एक डेढ़ चम्मच के करीब यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ले रहे हैं, और साथ में हम यहाँ पर लेंगे एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर। सिर्फ इन्हीं दोनों को यहाँ पर यूज़ करना है, इन्हें मिक्स कर देंगे हम पानी में, क्योंकि हम इसे सीधे तेल में डालने वाले हैं। अगर आप सूखे मसाले कोई भी डायरेक्ट तेल के अंदर डालते हैं तो वो जल जाते हैं, पूरे घर में जो है इसका मिर्ची का धसका हो जाता है, यानी कि सबको छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। तो उससे बचने का उपाय है कि आप इसे पानी में मिक्स करिए, जिससे कि इसका टेस्ट फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और साथ में ही कलर भी। तो ये हमने तैयार कर लिया है कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट, और अब हम यहाँ पर इसे डालेंगे तेल में। एक मिनट तक इसे चलाएंगे, जब तक तेल जो है ऊपर नहीं आ जाता। तो ये देखिए तेल तुरंत आना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद हमें इसमें ऐड करनी है एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, दम आलू बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, और वो है यहाँ पर दही। जी है, ये दही ताज़ी जमी हुई, एक बाउल से मैंने थोड़ी सी कम ली है, आपके टेस्ट फ्लेवर के अकॉर्डिंग है, आप पूरे ये भर के भी ले सकते हैं बाउल को। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी कम ले रही हूँ दही, लेकिन दही बहुत इम्पॉर्टेंट है, और दही को डालने के बाद इसे हम चलाएंगे कंटिन्यू। इसलिए चलाते हैं दही को जिससे कि दही फटीफट जो फ्लेवर होता है वो ना दे, इसे चलने पे जब उबाल आएगा तो दही अच्छे से पक जाएगी और बिल्कुल भी नहीं फटेगी। दही डालने का, दही में अच्छे से उबाल आ चुका है और तेल जो है वो फिर से साइड कॉर्नर छोड़ने लगे हैं। अब इस टाइम पर हम इसमें ऐड करेंगे ये मसाला पेस्ट, जो हमने प्याज टमाटर लहसुन और अदरक डाल के भूना था और फिर इन्हें ठंडा करके हमने पीस लिया है। देखिए आ रहा है ना कश्मीरी दम आलू वाला कलर, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर इसे अभी हम मसाला डाला है, वो ऑलरेडी पहले हमने भुना हुआ था तो ज़्यादा नहीं भुनना है, लेकिन फिर भी हम दो मिनट इसे भून लेते हैं। आइए तो इसमें डाल लेते हैं कुछ मसाले, जैसे कि सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं हींग, एक पिंच हींग इसमें ज़रूर जाएगी। दूसरा जाएगा इसमें मसाला जो हमने तैयार किया था, ये जो मसाला हमने पीसा है ये इसके अंदर जाएगा, एक बड़े चम्मच,
और फिर जाएगा इसके अंदर कसूरी मेथी। यहाँ पर अभी मैंने मसाला जो है एक बड़े चम्मच डाला है और थोड़ा सा मसाला मैं एंड में यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर कसूरी मेथी भी ज़रूर ऐड करनी है और ये दम आलू का स्पेशल मसाला जो कि तुरंत इंस्टेंट बनाया जाता है। और मसाले इसमें सब ऐड करने के बाद इसमें हम डाल देते हैं नमक, क्योंकि इसमें ग्रेवी बनेगी तो ग्रेवी के हिसाब से हमें थोड़ा सा नमक एक्स्ट्रा करना है। तो यहाँ मैं आधी छोटी चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सीक्रेट है इंग्रेडिएंट दम आलू का, वो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। इसके दो ऑप्शन होते हैं यूज़ करने के, जैसे कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एक छोटी चम्मच आधी, वो भी पूरी नहीं, आधी हम रख लेंगे, सिर्फ आधी हमें यहाँ पे यूज़ करना है चीनी का। अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते तो इसकी जगह आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जब हमने मसाला भूना था उस टाइम पे सौंफ, तो वहाँ पे सौंफ को भून के इसमें सौंफ ऐड कर सकते हो, तो उससे भी थोड़ा फ्लेवर यही आएगा जो मैं यहाँ चीनी के साथ ऐड कर रही हूँ। तो इससे मीठा नहीं होता, ये मत सोचिएगा आप चीनी ऐड कर दी तो चीनी से सब्जी मीठी हो गई, जी नहीं। आपने देखा मात्रा बहुत कम है, तो उससे जो है बैलेंस होता है सभी मसालों का और फ्लेवर बहुत अच्छा उभर के आता है। तो कश्मीर दम आलू का सब मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए। मसाले ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ग्रेवी बनाने के लिए, जितना भी आपको चाहिए, क्योंकि अभी हम इसमें आलू डालने वाले हैं तो आलू भी काफ़ी मसाला और पानी सोख कर लेंगे। तो थोड़ा सा पतला बनाइए, पकने के बाद मसाला उसमें जाने के बाद थोड़ी सी ग्रेवी गाढ़ी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने डाल दिया है लगभग एक बड़े गिलास के करीब इसमें पानी, और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी आलू उबले हुए जो हमने आलू को फ्राई करा था। तो यहाँ पर सभी फ्राई आलू हैं। आलू यहाँ पर फ्राई हैं और अब इसमें आलू डालने के बाद हम इसे कवर करेंगे, इस पर लीड लगाएंगे और इसे अच्छे से मसालों को सभी को ग्रेवी पकने का वेट करेंगे, क्योंकि पानी ऐड करा है, आलू में मसाला अंदर तक चला जाए इसके लिए हम इसे 5 मिनट ढक के इसी तरह पकने के लिए छोड़ेंगे। आइए तो चेक कर लेते हैं, 5 मिनट पूरे हो चुके हैं और यहाँ पर दम आलू अच्छे से पक चुके हैं। पहले हम चेक करेंगे इसकी ग्रेवी, क्योंकि मुझे ज़्यादा पतले और ज़्यादा गाढ़े दोनों ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ग्रेवी बिल्कुल ठीक है, ना ही ज़्यादा पतली पानी की तरह और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है कि एकदम पेस्ट हो, बस इतनी ही ग्रेवी मुझे चाहिए यहाँ पर दम आलू में। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है ग्रेवी। अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं अपनी दो चीज़ लास्ट में। तो हम डालने वाले हैं एक तो वही मसाला जो हमने तैयार करा था, आधी छोटी चम्मच, और अब इसके बाद इसमें ऐड कर देते हैं हम हरे धनिए की पत्तियाँ। लास्ट में इसमें ऐड करिए थोड़ा सा एक और डिलीशियस टेस्ट को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा बटर। तो मैं यहाँ पर बटर यूज़ कर रही हूँ, अगर बटर नहीं है तो आप देसी घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हेल्थ की वजह से तो फिर आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं बिल्कुल ही कश्मीरी दम आलू बनाना तो उसमें लास्ट में थोड़ा सा बटर या घी ज़रूर ऐड करिए, बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है। तो यहाँ पर ये तैयार है कश्मीरी दम आलू और अब कर लेते हैं हम इसकी टेस्टी सी प्लेटिंग। कश्मीरी दम आलू एक ऐसी सब्जी है जो कि ज़्यादातर लोगों ने रेस्टोरेंट में ज़रूर खाई होगी। अगर रेस्टोरेंट में नहीं खाई तो आप जब भी कभी कश्मीर जाएं वहाँ पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि कश्मीर की ये पॉपुलर रेसिपी है। तो आपको ओरिजिनल टेस्ट फ्लेवर दम आलू का कश्मीर के ही रेस्टोरेंट में मिल सकता है। लेकिन अगर आप घर में बनाना चाहते हैं कश्मीरी दम आलू उसी टेस्ट फ्लेवर के साथ, तो आप इस रेसिपी को फॉलो करें। ये रेसिपी बहुत टेस्टी है, बनाने में भी बहुत आसान है। तो एक बार ट्राई करके और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको कश्मीर की ये पॉपुलर रेसिपी दम आलू कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक करें, और साथ में ही सब्सक्राइब बटन है उसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम सारी रेसिपीज नई नई आप तक पहुँचा सकें। तो आपको दम आलू कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई टेस्टी सी रेसिपी के साथ आप सबसे रीना किचन पॉइंट में। बाय बाय।